आज हम एक ऐसी रेमेडी लेके आए हैं जिसके फ़ायदे देखेंगे तो अनगिनत फ़ायदे हैं। यकीन मानिए, ये इतनी इफ़ेक्टिव है कि आपका अगर वज़न बढ़ रहा है या फिर आपके हाथ पैरों में दर्द है, जॉइंट पेन, कमर दर्द, सर दर्द, हाथों में दर्द, घुटने, तलवों में दर्द, कहने का मतलब सर से, चोटी से लेकर तलवों तक जो भी दर्द है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप बस इसका एक एक चम्मच रोजाना सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ ले लें। वजन नहीं बढ़ेगा, शरीर में कहीं पे भी दर्द नहीं रहेगा, वजन पेट नहीं फूलेगा, गैस नहीं बनेगी, हाई ब्लड प्रेशर है वो नहीं रहेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है वो नहीं बढ़ेगा, अगर महिलाओं के पीरियड संबंधित परेशानी है वो नहीं होगी। इसके बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं, आप एक बार लेके देखें। ये आपके घर में मौजूद है, ये जो भी चीज़ें हैं आपको कहीं बाज़ार से लाना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच अजवाइन ली है, बिल्कुल 2 छोटे चम्मच अजवाइन ले ली, और उसका 1 चम्मच जीरा लिया, और यहाँ पे फिर आधा चम्मच सौंफ ले ली, और 3 इलायची ली है। तो यहाँ पे अजवाइन थोड़ी ज़्यादा ली है, 2 चम्मच, बाकी 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 3 इलायची ले ली। अजवाइन वेट लॉस में बहुत ही सहायक होता है, पाचन तंत्र को सुधारता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है, हाइपरटेंशन से बचाता है। अजवाइन के अनगिनत फायदे हैं, ये हमारी स्किन पर बहुत अच्छी ग्लो लाती है, और जो माताएं या बहनों के प्रॉब्लम है पीरियड संबंधित उसको ठीक करती है। और यहाँ बात करते हैं जीरे की। जीरा हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और जीरा हमारा वज़न कम करने में बहुत मदद, जीरा सूजन से भी बचाता है, जिनको नींद नहीं आती उसमें फ़ायदा करता है। तो इनके अनगिनत फ़ायदे हैं। सौंफ हमारी स्किन को साफ रखती है, पीरियड संबंधित समस्या है उसको उससे छुटकारा दिलाती है। सौंफ की तासीर ठंडी होती है, इसलिए इसमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इलायची के बहुत सारे फायदे हैं, इलायची से कैविटी से बचाता है, इलायची से स्ट्रेस कम होता है, इलायची हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है। तो भाई ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, आप एक बार लेके देखिएगा। तो अब इनको क्या करेंगे, एक लोहे का तवा लेंगे और इसमें हल्के हल्का भून लेंगे। ध्यान रखें इलायची को नहीं भूनना है, बस जो जीरा और सौंफ अजवाइन, तो ये तीनों को बिल्कुल धीमी आंच पर भूनेंगे, और बस 1 से 1.5 मिनट के लिए भूनेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। तो इसको लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर इस तरीके से भून लेंगे। आप चाहे तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेके एक छोटे कंटेनर में भर कर भी रख सकते हैं, रोजाना रात में सोने से पहले 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। इसका ध्यान रखें कि आप दिन में नहीं लेना है इसको, बस रात में सोने से पहले लेना है। तो यहाँ पे हल्का हल्का कलर चेंज हो गया है इसका, तो अब ये भुन चुकी है, तो अब इसको थोड़ी देर के लिए इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे, और उसके बाद में इसको पीस लेंगे, बारीक सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। इसको अब साइड में रख देते हैं गैस को ऑफ करके। तो यहाँ पे एक मिक्सी का जार ले लिया, और अब ये ठंडी हो चुकी है, तो अब इसको बारीक सा पाउडर बना लेते हैं। तो जो हमने साइड में इलायची रखी थी ना, उनको भी डाल देंगे इसमें। अब पे ये देखिए पाउडर बना लिया इसका। अब इसको एक मैंने कटोरी में निकाल लिया है। अब इसका सोने से पहले बस 1 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बस एक छोटा चम्मच गुनगुने पानी के साथ लेना है। 1 गिलास छोटा पानी ले लें और 1 चम्मच इसका ले लें, फिर 1 चम्मच इसका खा के और ऊपर से गुनगुना पानी पी जाए। गुनगुना पानी के साथ इसको लेना है, क्योंकि गुनगुने पानी के साथ ही बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो आपके अगर बहुत ज़्यादा कब्ज है या फिर पेट फूल रहा है, हाथ पैरों में दर्द है, इसमें आप देखिएगा आपको कुछ दिनों में ही बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है।